नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं रही। अब इस तरीके का एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि एक लुटेरा एक ऑफिस में दाखिल हो जाता है, उसके बाद पिस्टल की नोक पर वो लाखों की लूट को अंजाम देता है। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप उस सीसीटीवी फुटेज पर नज़र डालिए। सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आया होगा कि किस तरीके से वो लुटेरा एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में दाखिल हो गया, फिर पिस्टल की नोक पर उसने एक बड़ी लूट को अंजाम दी। मैं आपको बता दूं कि लूट जो है लाखों की बताई जा रही है। अब ये पूरा मामला दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर इलाके में इस पूरी घटना ने अंजाम लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम करीबन 6 बजे के आसपास इस पूरी घटना ने अंजाम लिया था। जब वो लुटेरा उस ऑफिस में दाखिल हुआ, उसने अपनी पिस्टल के दम पर शख्स को डरा धमका कर उससे पूरी रकम लूट ली। अब ये रकम जो है वो लाखों की थी, और जिसके बाद वो लुटेरा फरार हो गया। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल गाजीपुर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि असली आरोपी जो है वो पकड़ा गया है कि नहीं। लेकिन राजधानी दिल्ली से जो भी ये मामला सामने आया है, काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है। आए दिन राजधानी दिल्ली से इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी आसानी से मिल जाती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली बात है कि किस तरीके से आरोपी बेखौफ होते जा रहे हैं, कि उन्हें सीसीटीवी तक का डर नहीं रहा, वो बस अपनी लूट को अंजाम देना ही सबसे प्रमुख कारण समझते हैं। घटना को लेकर पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं है कि असली आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में इतनी ही जानकारी हमारे पास है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि आखिरकार उस लूट को अंजाम क्यों दिया गया था, क्या कोई आपसी रंजिश थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसों की चोरी के चक्कर में उस लूट को अंजाम दिया गया। अब मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप उस वीडियो पर अपनी नजर डालिए।
इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, साथ ही तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।